अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन ड्रामा सीरियल दाऊ का इंटरेस्टिंग प्रोमो शेयर कर दिया गया। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया लाजमी से करते जाना चाहिए, जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो दाऊ ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि नेहा यहाँ पर जो है वो कंधे पर हाथ रखती है आसिम के और यहाँ पर कहती है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। यानी नाजरीन वो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं एहसन के मामले में, जो यहाँ पर उसने किया है अंबर के साथ बहुत ज़्यादा बुरा। उसी मामले में लड़की वालों का जो है वो खास तौर पर जो है बिल्कुल भी दबना नहीं चाहिए। अगर वो दब जाए इस तरह से तो बदमाश लड़कों की जहां और ज्यादा हिम्मत बढ़ जाती है और यहां पर वो जहां और मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जिसकी वजह से नाजरीन आसिम को भी यहां पर मजीद गुस्सा आ रहा होता है। और नाजरीन यहां पर अब जो है वो क्या नेक्स्ट मूव करने वाला है एहसन के खिलाफ, उसे ढूंढने में क्या कुछ करने वाला है लाजमी से बताते जाना। और दूसरी जानब आप लोग ये भी देखने वाले हो, अब यहां पर मिलने आई होती है सुम्बुल से नेहा, जिसके बाद नाजरीन यहां पर वो सुम्बुल के साथ आती है बाहर और नाजरीन यहां पर आली के पास खड़ी हो जाती है और आली को कहती है कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जिसके बाद आली भी साफ तौर पर कह देता है अगर तुम सुम्बुल के बारे में बात करने वाली हो तो यहाँ पर मैं उस बारे में कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। और इसके साथ साथ ये भी कह देता है कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, इस वजह से इज्जत नहीं करता कि यहाँ पर तुम सुम्बुल की जो है वो भाभी हो, बल्कि इस वजह से इज्जत करता हूँ कि तुम जो है वो मेरी बहन की दोस्त हो, जिसकी वजह से नाजरीन यहाँ पर ये शायद और ज़्यादा बात ना करे। और दूसरी जनब आप लोग आने वाले एपिसोड में ये भी देखने वाले हो कि नाजरीन काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर रही होती है अलमास नेहा की और इसे कहती है कि तुमने पता नहीं मेरे बच्चों को जो है वो क्या जादू उन पर कर दिया है, तुम्हें जो है अंबर का तो हाल पता ही है और यहाँ पर सुम्बुल मेरी बिल्कुल भी कॉल नहीं उठा रही, जो मेरा फर्मा बरदार बेटा था मेरे सामने आंखें नहीं उठाता था, यहाँ पर अब वो इस घर से जाने की तरकीबें सोच रहा है। जिसके साथ साथ यहाँ पर ये भी कहती है तुम्हारे जब से मनहूस कदम पड़े हैं इस घर में यहाँ पर यह सब कुछ तब से ही हो रहा है, मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी, तुम्हें घर से निकाल के रहूंगी, जिसकी वजह से नेहा जो है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है, डिसहार्ट हो जाती है। नेहा अपने आप को किस तरह से संभालेगी और यहाँ पर किस तरह से अलमास की गलतफहमी दूर करेगी लाजमी से बताते जाना। और इसके साथ साथ आप लोग दूसरे जानब ये भी देखने वाले हो कि नाजरीन यहाँ पर सुम्बुल के पास रिदा बैठ जाएगी, इसे बताना शुरू कर देगी सुम्बुल को रिदा के यहाँ पर मुझे लगा था शुरू शुरू में कि यहाँ पर जो है आली तुम मेरे जरिए जो है वो तुम्हें जेलस करना चाह रहा है, यहाँ पर फायदा मेरा उठाना चाह रहा है, तुम्हें अजियत देना चाह रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पर कभी कभी वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता और तुम्हें पता है कि यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा जो है वो चाहते हैं। और इधर नाजरीन यहाँ पर आली भी आ जाता है, यहाँ पर इसकी बातें सुनकर रिदा की वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जब रिदा कहती है कि तुम उससे आली से खुला क्यों नहीं ले लेती, जिसके बाद सुम्बुल साफ ना कर देगी और नाजरीन शायद आली को गुस्सा भी आएगा। और नाजरीन रिदा कहेगी जिस तरह से तुम घुट घुट के जो है वो जिंदगी गुजार रही हो, इस तरह से सुम्बुल तुम जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो जाओगी, जिसके बाद नाजरीन यहाँ पर आगे से ये कह देगी साफ तौर पर इजी जवाब दे देगी कि यहाँ पर जो है जिसमें आली की खुशी है मैं उसी में ही खुश हूँ, यानी अजियत वो देता है तो देता रहे। जिसके साथ साथ ये कमरे में जाके काफी ज्यादा जो है चीजें पटकेगी और इसके साथ साथ ये चाय देने आएगी आली को। और नाजरीन ये काफी ज्यादा सोच के आई होगी कि यहाँ पर आली के जो है अपनी जिंदगी है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, जिसकी वजह से इसके पास बैठ जाएगी और कहेगी कि यहाँ पर आप अगर अपनाना चाहती हैं रिदा को तो अपना ले, यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। जिसके बाद नाजरीन ये सब कुछ कह के जो है वहां से उठ जाएगी रोते हुए, जिसके साथ साथ यहाँ पर आली भी काफी ज्यादा सोचेगा, लेकिन नाजरीन फिर भी यहाँ पर शायद हो सकता है कि ये निकाह करना चाह रहा हो, लेकिन नाजरीन शायद ये भी हो सकता है कि ये रिदा को सिर्फ इस्तेमाल ही कर रहा हो और नाजरीन ये ना कर सके। यहाँ पर कल भी हमने आपको बताया था वो ख्वाब ख्याल होगा वैसा ही हुआ। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आली तो सोचेगा ही, लेकिन नाजरीन ये भी बहुत ज्यादा कमरे में जाकर रोएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर अब यहाँ पर आली क्या शादी करेगा या नहीं शादी करेगा लाजमी से अपना कीमत रखा इजहार कमेंट सेक्शन में करते जाना। अगर वीडियो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। ओके फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।